लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और सोशल मीडिया में इसका असर भी दिखने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के गलत और बेबुनियाद पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल एक साथ समाधि पर फूल अर्पित कर रहे हैं। फोटो के साथ किसी मनोज श्रीवास्तव ने लिखा है कि अखिलेश और डिंपल माफिया अतीक और एनकाउंटर में मारे गए उसके बेटे की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जबकि ये गलत है। अखिलेश यादव और डिंपल की ये फोटो उस वक्त की है जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। ट्विटर पर इस फेक पोस्ट का संज्ञान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिया और फेक पोस्ट करने वालों के खिलाफ जॉर्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जॉर्जटाउन है जो भाजपा आईटी सेल का जो लड़का है, वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और कन्नौज से जो मैनपुरी से वर्तमान की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और उसने यक्स पर जिस तरीके से लिख करके जो नेताजी की समाधि स्थल जहां पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जाकर के आशीर्वाद लेने का काम किया था समाधि पर जब चुनाव लड़ने जा रही थी आदरणीय डिंपल यादव जी, उसी फोटो को लेकर के उसको एडिट करके ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने का काम किया है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम उसने किया है। तो इस तरीके से लगातार जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों इस तरीके से जो टिप्पणियाँ लगातार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और आज हम लोगों ने जॉर्जटाउन थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज करा दिया है। अगर उनकी तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की जो सरकार चल रही है। माफिया अतीक अहमद से अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जोड़ने से सपाइयों में काफी नाराजगी है। सपा ने तुरंत ही इसका खंडन किया और मुकदमा दर्ज करा दिया। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी का आईटी सेल अखिलेश यादव की छवि खराब करने के लिए अक्सर इस तरह के पोस्ट करता रहता है, लेकिन जनता बीजेपी के इस फार्मूले की असलियत जान चुकी है और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की जो सरकार चल रही है उसकी होगी। अच्छा, जो ट्विटर यूजर है उसने अतीक अहमद का नाम इस्तेमाल करके अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, अखिलेश यादव जी का नाम जिस तरीके से सिपोही नहीं सिर्फ अतीक अहमद जी की कब्र का उसने नहीं दिखाया, उसकी अगर और पोस्टों पर आप जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया है उसको शायद हम नहीं बोल सकते हैं। लगातार सभी नेताओं के बारे में वो लिख रहा है, तो इससे ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट है और कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडा टाइप का ये व्यक्ति है जो लगातार इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और लगातार माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है।